स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान विचार में दीपा पांडे के साथ। साथियों हम सभी इस बात से अनजान नहीं हैं कि बेरोजगारी हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और आज के समय में एक गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारी हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया जिसका नाम है हरियाणा युवा सक्षम योजना। इस योजना का उद्देश्य जिन हरियाणा के युवाओं को पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना, जिसके अंतर्गत हरियाणा सरकार बेरोजगार युवाओं को 9,000 रुपए महीना तनख्वाह मानदेय के रूप में देती है, जिसके बदले में युवाओं को एक महीने में 100 घंटे काम करना होता है और काम ना मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते के रूप में 12वीं पास युवाओं को 900 रुपए, ग्रेजुएट युवाओं को 1500 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएटेड को 3,000 रुपए दिए जाते हैं, जो सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। साथियों हम आप सभी को बता दें कि अगर कोई भी बेरोजगार युवा इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद सरकार द्वारा युवा चुने जाएंगे और बाद में योग्य उम्मीदवार अपने चुने हुए विभाग की पसंद के आधार पर कौशल विकास पर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और इस योजना का लाभ उठाएंगे। आवेदक को इस योजना के तहत 3 साल ही काम दिया जाता है, परंतु बेरोजगारी भत्ता लगातार चलता रहेगा जब तक वह कहीं सेटल ना हो जाए। दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको hrex.government.in की वेबसाइट पर जाकर अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के 15 दिनों के अंदर अंदर संबंधित या स्थानीय रोजगार एक्सचेंज डिपार्टमेंट को प्रोविजनल आई कार्ड की एक कॉपी के साथ संबंधित प्रशंसा पत्र और प्रतियां भी जमा करनी होगी, जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपको hrex.government.in की वेबसाइट पर जाकर सक्षम युवा में रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथियों अब जान लेते हैं उन बातों के बारे में भी जिनका ध्यान आपको फॉर्म भरते समय रखना होगा। सबसे पहले तो एप्लीकेंट हरियाणा का निवासी हो, उसकी न्यूनतम उम्र 12वीं पास के लिए 18 वर्ष और 21 वर्ष ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, साथ ही उसके परिवार की कुल आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदक की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, उसके बाद चाहे उसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो इसमें शामिल हो सकता है, पर ध्यान दीजिएगा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हरियाणा स्टेट के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही की हो और फॉर्म भरते समय एप्लीकेंट किसी भी प्रकार का रेगुलर डिप्लोमा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ना कर रहा हो और साथ ही उसका खुद का कोई का रोजगार ना हो, यानी स्वयं रोजगार ना हो। 12वीं के बाद अप्लाई करने वाले प्रार्थी ध्यान दीजिएगा कि उन्हें 12वीं कक्षा रेगुलर से पास की हो, यानी 12वीं हरियाणा ओपन, दिल्ली ओपन या फिर किसी और बाहरी राज्य से ना की हो। साथ ही उन्होंने 12वीं की कक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, CBSE दिल्ली, ICSE या चंडीगढ़ में आने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से की हो। साथियों अब बात करते हैं उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी फॉर्म भरते समय या अप्लाई करते समय। सबसे पहले तो आवेदक की हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, साथ ही आवेदक की उच्चतम योग्यता का प्रूफ जैसे 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की DMC जो भी हो, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक कॉपी, राशन कार्ड, साथ ही आवेदक द्वारा किया गया रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज की स्लिप। तो साथियों आज हमने बात की बेरोजगार युवाओं से जुड़ी सक्षम योजना के बारे में। हमारी आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी या फिर इस योजना से जुड़ी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीपा पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।